हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ मैग्नेटिक ड्रिल मशीन के बारे में। और मैग्नेटिक ड्रिल मशीन होती है ये सिंपली जो आपके हैंडल मशीन होती है उसी की तरह होती है। डिफरेंस ये होता है कि हैंडल मशीन है उसको आप लाइट एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करते हैं जहाँ पर लोड कम रहता है, और आपका मैग्नेटिक ड्रिल मशीन होती है ये बेसिकली बेंच ड्रिल की तरह होती है, लेकिन इसका जो बेस होता है उसमें मैग्नेट होता है। तो इसको आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं, प्लस इसको किसी भी ओरिएंटेशन में आप लगा सकते हैं। ओरिएंटेशन लगाने का मतलब इसको हॉरिजॉन्टल भी लगा सकते हैं, आप वर्टिकल भी लगा सकते हैं, जैसा रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से हम कर सकते हैं। और बेंच ड्रिल होती है जो आपकी, जिसको अपराइट ड्रिल मशीन भी बोलते हैं, उसको हर जगह आप कैरी नहीं कर सकते क्योंकि उसका जो बेस होता है उसको नीचे फाउंडेशन में बोल्ट से आपको लगाना पड़ता है, क्लैंप करना पड़ता है। जबकि जो ड्रिल मशीन है, जो मैग्नेटिक ड्रिल मशीन है, इसके केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इसको आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं, साइड पे ले जाके होल्स ड्रिल कर सकते हैं, इस तरह का रहता है। अब मैं यदि स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो मैग्नेटिक ड्रिल मशीन के जो स्पेसिफिकेशन होते हैं वो होता है कि उसका पावर रेटिंग कितना है ना, मैक्सिमम कितनी स्पीड उसमें अचीव हो रही है, मैग्नेटिज्म का फोर्स कितना है, ठीक है, जो आपका ड्रिल बिट है किस साइज़ के ड्रिल बिट को ये हैंडल कर सकता है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली इस मशीन को अब दिखाने जा रहा हूँ। ये मैग्नेटिक ड्रिल मशीन है, आप देख सकते हैं ये चक है, और इस चक को यहाँ पे ये की है, बेसिकली उससे क्लोजिंग और ओपनिंग की जाती है उसकी, है ना। इस ड्रिल चक के अंदर आप ड्रिल बिट को क्लैंप करते हैं। इसका जो बेस है, ये जो बेस है ये बेस आपका मैग्नेटिक होता है, तो जहाँ पर भी आप लोहे पे लगा देंगे तो उसको ये ग्रिप कर लेता है वो बहुत ज़्यादा फोर्स से। बाकी आप बेंच ड्रिल की तरह पे यहाँ पे हैंड व्हील देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं पूरा नीचे का सेटअप है, और ये कॉलम है, इसके अबाउट आपका जो ड्रिल हेड है वो वर्टिकली अप एंड डाउन इसको मूव कर सकते हैं। और ये हैंड व्हील है, इस हैंड व्हील से आप क्या कर सकते हैं, उसको फीड देते हैं जो ड्रिल बिट होती है उसको। ये आप देख सकते हैं ये की होती है इसकी, और इस की को जब क्लॉकवाइज मूव कराएंगे तो ये कसता है, और एंटी क्लॉकवाइज मूव कराएंगे तो ये खुलता है, ये देख सकते हैं। और ये हैंडल है, हैंडल में बेसिकली क्या रहता है, आपका जो स्विच होता है चालू बंद करने का सिस्टम रहता है, जैसे आपका हैंड ग्राइंडर होता है उसी तरह का। ये नीचे आप इस तरह से लाएंगे तो कर सकते हैं, जैसे शीट वगैरह, बड़ा शीट है जिसमें आपको बहुत सारे होल्स करने हैं, तो रेडियल ड्रिल वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर क्लैंप करने में दिक्कत आएगी, बड़ी शीट होगी, तो उसके लिए आप ये इसको यूज़ कर सकते हैं। प्लस जैसे कहीं आपको वर्टिकल होल ड्रिल करने हैं तो वहाँ पर भी आप ये मैग्नेटिक ड्रिल मशीन यूज़ कर सकते हैं। ये देख सकते हैं किस तरह से हो रहा है, और आप देखेंगे बेंच ड्रिल जैसा ही है, लेकिन इसका जो नीचे वाला बेस है ये मैग्नेटिक है। उसमें नीचे वाला बेस में क्या होता है, वो फाउंडेशन बेस होता है, उसको नीचे फाउंडेशन को से बोल्ट लगा के क्लैंप आपको करना पड़ता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रैक बना हुआ है, इस रैक के अबाउट आपका जो रैक और पिनियन मैकेनिज्म से ड्रिल हेड है वो वर्टिकली अप एंड डाउन मूव कर सकता है। तो ये आप पूरा क्लैंप वगैरह सारी चीज़ें देख सकते हैं इसमें किस तरह का सेटअप है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब।